नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नंबर 13 है। तो आइए इस इलेक्ट्रिशियन के 13वें वीडियो में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा, देख लीजिए प्रतिबाधा को जेड कहते हैं और जेड किसी आरएलसी सर्किट में सभी प्रतिरोध का जो मान होता है उसी को प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिबाधा की गणना करें यानी जेड की गणना करें। अच्छा, करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल और मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और भारतीय प्रतिघात XC को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए X को रिएक्टेंस कहते हैं, X को रिएक्टेंस कहते हैं, अगर L लग गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और C लग गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और Z को इंपेडेंस कहते हैं, R को रेजिस्टेंस कहते हैं, Y को एडमिटेंस कहते हैं। तो ये सब टर्म है, टर्म आपको जानना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है कि Z का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो जेड का फॉर्मूला आता है ना इंडक्टिव रेजिस्टेंस में, तो आर स्क्वायर प्लस, देखिए जो जेड का फॉर्मूला होता है, जेड का फॉर्मूला अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का होल वर्ग, यही फॉर्मूला होता है जेड का। लेकिन इस सवाल में क्या बोला है कि यदि प्रेरकीय मतलब यदि एक्सएल का मान एक्स सी से कम हो, एक्सएल का मान एक्स सी से कम हो, तो अंतर मतलब ज्यादा में से कम को घटाना होता है। तो कह रहा है सवाल में कि एक्सएल का मान एक्सी से कम है तो ज्यादा तभी है हुआ, तो एक्सी माइनस एक्सएल वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये नहीं होगा क्योंकि एक्सी माइनस एक्सएल ये आर तो बाहर दे दिया है, होगा नहीं, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और एक्सी इसका स्क्वायर, देखिए ये गलती लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल वर्ग, तो ये सही है, देखिए ये सही एकदम लिखा है। अच्छा, एक्सी माइनस एक्सएल क्यों? क्योंकि एक्सी ज्यादा है, बोला है सवाल में एक्सएल का मान एक्सी से कम है, तो एक्सएल कम है तो बाद में आना चाहिए, अंतर का मतलब जो ज्यादा होगा वो पहले आएगा, तो यही फॉर्मूला है। तो उचित जो सवाल बोला है कि एक्सएल कम है तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल वर्ग आर स्क्वायर यानी जेड बराबर ये, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा आज का उसको देखिए क्या है कि प्रतिरोध 15 ओम, परिणामी प्रतिघात, देखिए परिणामी प्रतिघात यानी x का मान दिया है, परिणामी प्रतिघात x का मान 20 ओम, और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान बताइए। शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर, और cos phi बराबर क्या होता है, r बटा z। हम आपको बता दें कि आरएलसी सर्किट के लिए cos phi यानी इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, आरएलसी सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान आर बटा में जेड भी होता है, और भी फॉर्मूला होता है जी बटा में वाई भी होता है, तो आर बटा में जेड, जी बटा में वाई, बहुत सारा फॉर्मूला होता है कास फाई का, तो आर और जेड दिया है इसीलिए हम इसको लिखे हैं। क्या दिया है, आर का मान 15 ओम दिया है, पावर फैक्टर पूछा है, शक्ति गुणांक पूछा है, आर का मान कितना दिया है 15 ओम, तो 15, और जेड का मान दिया है परिणामी प्रतिघात, जेड अब एक से है खाली, तो परिणामी प्रतिघात देखिए 20 और आर 15 का हम लोग निकाल लेंगे कि कितना आ रहा है परिणामी, तो जेड बराबर क्या होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल वर्ग। अब देखिए अंडर रूट में आर का स्क्वायर कितना दे 15, तो 15 का वर्ग 225 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी नहीं दिया है एक्सएल है। अच्छा, परिणामी प्रतिघात मतलब इन दोनों का परिणामी दिया है 20, एक्सएल माइनस एक्सी का मान ही दिया है 20 ओम, परिणामी लिखा भी है परिणामी प्रतिघात यानी एक्सएल माइनस एक्सी का 20 ओम, तो 20 का वर्ग करेंगे तो 400 कहां से आया, तो एक्सएल माइनस एक्सी को परिणामी बोला जाता है और परिणामी 20 ओम दिया है, तो 20 का वर्ग 400, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 × 2 = 625, अंडर रूट में कितना आ गया 625 और निकल जाएगा तो 25, तो रख देंगे यहां पर 25 निकल कर आया है यहां से, तो 25 और कटा देंगे, देखिए 5 × 3 = 15 और 50 = 25 कितना आया 3/5, भाग दीजिए 5 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा तो 0, 30 × 5 = 30 यानी 6 आ रहा है, पावर फैक्टर का मान 0.6, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। cos phi बराबर r / z, r का मान दिया था, z कहां से आएगा तो ये फॉर्मूला से आएगा, xl - xc को परिणामी प्रतिघात करते हैं जो 20 दिया है, 20 का वर्ग 400, 225 625 यानी 25 आएगा, तो ये 15/25 कटा देंगे तो आ जाएगा 0.6 यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के लिए एडमिटेंस यानी वाई का मान गणना करें जिसके इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। देखिए ना, एडमिटेंस पूछा है आपसे,
और जो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस या इंपोर्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं, जो एडमिटेंस होता है इंपोर्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं, यानी जेड निकालना होगा। और जेड के लिए फॉर्मूला हम बताए थे ना, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का होल वर्ग, तो जेड निकालना होगा। अब जेड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, जेड है क्या, एक प्रतिरोध है, तो आर स्क्वायर रेजिस्टेंस कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, एक्सएल दिया है, कहीं नहीं दिया है, एक्सी दिया है, कहीं नहीं दिया है, न तो आर दिया, न तो एक्सएल दिया, न एक्सी दिया, तब कैसे निकलेगा। तो भैया ये एक प्रतिरोध है, और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर बराबर होता क्या है, वी बटा में आई, वोल्टेज बटा में धारा को भी कहते हैं ना, तो टोटल वोल्टेज दिया है, देखिए वी बटा में आई कर लेंगे, तो टोटल वोल्टेज दिया है 240। ये एक प्रतिरोध है, एक प्रकार का इंपेडेंस, एक प्रतिरोध होता है, मतलब इंपेडेंस क्या है, सभी प्रतिरोधों का योग, इंपेडेंस तो प्रतिरोध है, तो वी बटा में आई 240, और आई का मान कितना 8 एम्पीयर, कटा देंगे 8 × 3 = 24, 30 आया, यहां पर 30 भर देंगे, 1/30। इसको हल करेंगे, देखिए 1/3 होता, यदि 1/3 होता तो 0.333 इसी तरह आता, 1/3 होता तब, लेकिन एक जीरो भी है, एक जीरो यहां पर और बढ़ जाएगा, यानी 0.0333, 0.0333 सी ऑप्शन। ये रेजिस्टेंस है, आगे जाएगा तो महो आएगा, तो महो, इसलिए एडमिटेंस का मात्रा क्या होता है, महो, क्योंकि 1/ इंपेडेंस यानी प्रतिरोध, 1/ ओम, 1/ ओम को महो बोला जाता है, एडमिटेंस का मात्रा को महो, तो 0.033, 1/30 कर लेंगे, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वाई बराबर 1/z और 1/30, इसको कर लेंगे हल, तो 0.033, और 1/ ओम को महो कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, महो। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करें। अच्छा, लाइन धारा की गणना कर रहा है, टोटल लाइन धारा जो यहां से ये करंट जा रही है, टोटल आई एल के मान बताना है। तो देखिए ये भी ना पैरेलल में है ना जी, तो पैरेलल में के लिए समांतर में लगाया जाता है, यानी क्या होगा, आई एल का वर्ग बराबर इसमें धारा का वर्ग प्लस इसमें धारा का वर्ग, यानी आई आर है तो आई आर का वर्ग प्लस जो धारा जा रही है वही इन दोनों में जा रही है, तो ये कैसे ये लग रहा है, तो ये परिणामी से आता है, फेजर डायग्राम से आता है, तो आई एल का वर्ग बराबर आई आर का वर्ग प्लस आई सी का वर्ग, प्लस आई सी का वर्ग। इसको अगर आई एल बराबर प्राप्त करेंगे तो रूट में चला जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, आई आर का वर्ग प्लस आई सी का वर्ग, ये फेजर डायग्राम से आता है, बस आप वर्ग में कर देंगे तो हम सही बैठेगा, आई एल का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो ये देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो अंडर रूट में दिया है, आई आर का वर्ग यहाँ प्लस होना चाहिए, तो आई एल बराबर अंडर रूट में आई आर का वर्ग प्लस आई सी का वर्ग प्लस होना चाहिए, यहाँ अंडर रूट में ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये आई एल दिया है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आई आर का वर्ग प्लस आई सी का वर्ग आई एल के वर्ग के बराबर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी लो पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर, तो एसी सर्किट में लो पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो कैपेसिटर का प्रयोग करके पावर फैक्टर बढ़ाते हैं, ये तो पता होना चाहिए, कैपेसिटर क्यों, कैपेसिटर लीडिंग होता है, तो लीड पावर फैक्टर कम होगा तो लैग कर रहा होगा, तो लैग को लीड में बदलने के लिए कैपेसिटर लगाएंगे, तो कैपेसिटर से पावर फैक्टर सुधरेगा, लेकिन कैपेसिटर पैरेलल में, और पैरेलल में क्यों, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से उसका जो योग होगा वो सिंपली सीरीज वाला जोड़कर और कैपेसिटेंस का मान ज्यादा, देखिए सीरीज में कैपेसिटर लगा देंगे तो कैपेसिटेंस का मान कम हो जाता है, तो कैसे बढ़ा पाएगा, पैरेलल में जब कैपेसिटर लगेगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि पैरेलल वाला फॉर्मूला तो सीरीज में लगता है कैपेसिटर के लिए, तो पैरेलल में जब लगेगा तो कैपेसिटेंस का मान ज्यादा, तो पावर फैक्टर अच्छा कर देगा, तो कैपेसिटर में बाई कनेक्टेड कैपेसिटर इन पैरेलल पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, वो भी पैरेलल में, जिससे कैपेसिटेंस अच्छा हो जाएगा, तो पावर फैक्टर भी ज्यादा होगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच, देखिए डेल्टा कनेक्शन, क्या कौन सा कनेक्शन, डेल्टा, यहाँ फेज होता है, यहाँ फेज होता है और यहाँ फेज होता है, तो डेल्टा कनेक्शन एक स्टार कनेक्शन होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में ना दो फेजो मतलब दो सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगा वह तो सब में बराबर होता है, लेकिन धारा अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ से सप्लाई और यहाँ से सप्लाई और यहाँ से, तो यहाँ से सप्लाई जाएगी तो अलग अलग बट जाएगी, यहाँ से भी जाएगी तो अलग अलग बटेगी, यहाँ से भी आएगी तो अलग अलग बटेगी, तो धारा अलग अलग होता है, और कितना होता है, जो लाइन धारा होता है √3 गुना होता है फेज करंट का, तो फेज करंट का √3 गुना, ये
आई एल बराबर क्वारंटीन आईपी, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। डेल्टा में था, स्टार में करंट बराबर होता है। आगे फेज सीक्वेंस दिया, देखिए ना काला अनुक्रम मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर, जो फेज सीक्वेंस मीटर होता है उसका प्रयोग थ्री फेजों को परीक्षण करने में किया जाता है। जो थ्री फेज होता है ना, तो आर वाई बी थ्री फेज होता है, तो फेज का परीक्षण करने के लिए थ्री फेज सीक्वेंस मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्री फेज सीक्वेंस मीटर तो यह दिया है, देखिए टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, इंश्योर करने के लिए मतलब चेक करने के लिए थ्री फेज सीक्वेंस, थ्री फेज सीक्वेंस सिस्टम का मतलब क्या दिया कि फेज सीक्वेंस को, देखिए फेज सिस्टम क्या दिया, टू इंश्योर द करेक्ट मतलब करेक्ट फेज सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए थ्री फेज सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टार से जुड़े थ्री काला भार की आभासी शक्ति की गणना करें, आभासी अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर के लिए क्या होता है, अगर थ्री फेज है तो कर्णी तीन गुणे भी गुणे आई, भी आई अपरेंट पावर, वोल्ट एम्पियर अपरेंट पावर, अब वही पूछा है आभासी शक्ति अपरेंट पावर, अब शक्ति गुणांक का काम ही नहीं लगता है आभासी के लिए, और थ्री कला 415 वोल्ट दिया है, मान भर देंगे कर्णी तीन गुणे 415 वोल्ट दिया है, धारा कितना दिया है से जुड़ा है और 10 एम्पियर की धारा लेती है, धारा दिया है 10 एम्पियर, तो गुणा कर लेंगे कितना आएगा 7188 के, मतलब क्या आएगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर आएगा, कितना आएगा अच्छा से हम लिख देते हैं, गुणा करेंगे तो 7188 वोल्ट एम्पियर, किलो में कर देंगे हजार से गुणा, तो 7.1888 के भी, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये डी ऑप्शन है 7.188 के भी, गुणा कर देख सकते हैं आप, तो ऑपरेंट पावर के भी में इतना 7.1, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि थ्री खाला शक्ति माप में दो वाट मीटर, देखिए दो वाट मीटर आ गया, दो वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल रीडिंग देता हो तो शक्ति गुणांक क्या है, हम दो बताए थे आज एक और बता दे रहे हैं, देखिए पावर फैक्टर अगर एक होगा तो दोनों वाट मीटर रीडिंग बराबर देगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो दोनों वाट मीटर बराबर देगा, ये पूछ चुका है, फिर और एक बता देते हैं, ये तो पहला हो गया, एक दूसरा देखिए, अगर पावर फैक्टर जीरो होगा तो दोनों वाट मीटर रीडिंग बराबर देगा लेकिन विपरीत दिशा में रीडिंग देगी, ये भी पूछ चुका है, दोनों वाट मीटर बराबर एंड अपोजिट साइन में देगा। दूसरा एक और आज लिख लीजिए, जो एक और आज है जो इंपोर्टेंट है कि यदि पावर फैक्टर 0.5 होता है, यदि पावर फैक्टर 0.5 होता है, उधर अगर दिखाई नहीं देते यहां देख लीजिए, यदि पावर फैक्टर 0.5 है, दम दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक दो और तीसरा ये है, यदि पावर फैक्टर 0.5 है तो पहला वाट मीटर रीडिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव में देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा, लेकिन जो दूसरा वाट मीटर रीडिंग होगा, दूसरा वाट मीटर रीडिंग, इसका मान जीरो रहेगा, मतलब दूसरा वाट मीटर रीडिंग कुछ नहीं देगा, अब पहला पॉजिटिव में मान देगा, ये कब होता है, जब पावर फैक्टर 0.5, अब पावर फैक्टर 0.5 तो कभी कभी एंगल भी पूछ लेता है, क्यों, क्योंकि ये पावर फैक्टर किसको कहते हैं, पावर फैक्टर जी, तो पावर फैक्टर का स्थाई को कहते हैं, पावर फैक्टर का स्थाई को कहते हैं, कास फाई का मान कितना दिया है 0.5, तो फाई का मान 60 आएगा, कैसे, तो कास जो फाई है 1/5 का मतलब 1/2, 1/2 कास 60 का मान है, तो फाई का मान 60 आ जाएगा, तो फाई का मान भी कभी काल पूछ देता है, इसके लिए फाई का मान पूछ लेगा, तो इसमें हम कौन सा 0.5 दिया है ना, एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा रीडिंग दे रहा हो, तो 0.5 पर हम बताए हैं, 0.5 पर एक रीडिंग देगा एक शून्य देगा, तो यानी 0.5 ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फार्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखिए ट्रिक बता रहे हैं हम, एकदम कभी नहीं भूलेगा और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, हमको भी होता था लेकिन एक ट्रिक हम बना लिए, अब कभी आज का कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, क्या ट्रिक है फार्म फैक्टर का, एफ ओ आर एम, आर एम है तो आर एम एस मान ऊपर, आर एम एस वैल्यू ऊपर, फार्म में आर एम आ रहा है ना तो आर एम एस वैल्यू ऊपर, नीचे एवरेज, नीचे एवरेज, एवरेज वैल्यू, तो आरएमएस बटा में एवरेज फार्म फैक्टर, आरएमएस बटा में एवरेज फार्म फैक्टर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट, नीमी में गलत दिया है इसका लेकिन सही, आरएमएस बटा में एवरेज वैल्यू, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित करते हैं, भैया
ये देखिए आप कि पहले तो आप ये बताइए कि धारा का विरोध क्या करता है, प्रतिरोध करता है। कुल धारा का विरोध तो इंपेडेंस करता है, क्योंकि कुल रेजिस्टेंस जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस एसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को जेड से, जिसको इंपेडेंस कहते हैं, तो एसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इंपेडेंस होता है और इसी के व्युत्क्रमानुपाती एडमिटेंस होता है, मतलब 1/z जेड को एडमिटेंस, तो इंपेडेंस के व्युत्क्रमानुपाती एडमिटेंस कहते हैं। और जेड क्या होता है, कुल धारा का विरोध करता है। तो यही पूछा है कि धारा के कुल विरोध के रूप में किसको परिभाषित करेंगे, तो इंपेडेंस को, लेकिन पैरेलल बोला है तो इसके उल्टे को, एडमिटेंस। इसलिए सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, धारा का कुल विरोध इंपेडेंस, लेकिन पैरेलल मतलब उल्टा, तो एडमिटेंस। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस सर्किट, अच्छा ये सर्किट यहां दिखाई दे रहा है ना, ये रियल में यहां से गया होगा, और रियल में देखेंगे तो इधर से तो यहां से जा रहा है। देखिए ये जीरो से जो स्टार्ट होगा वो रेजिस्टेंस होता है, ये जीरो से जो स्टार्ट होगा वो रेजिस्टेंस होगा, जो जीरो के नीचे से स्टार्ट होगा वह इंडक्टेंस मतलब रिएक्टिव होगा, और जो जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा वह कैपेसिटिव होता है। कैपेसिटिव, तो जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा तो कैपेसिटिव, जीरो के नीचे से तो इंडक्टिव माने एल वाला, इंडक्टर वाला, और जीरो से जो होगा वो रजिस्टर वाला। तो यही जो पूछ रहा है कि यह किसको बताएगा, तो ये तो रजिस्टिव को बताएगा और ये इंडक्टिव को। तो प्योर रजिस्टिव गलत, रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस तो सही, ये रजिस्टेंस को और ये इंडक्टेंस को। अब ये देखिए ना, ये रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, नहीं, कैपेसिटेंस तो ऊपर से होता तब, तो ये भी नहीं होगा। रजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस तीन को कहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो रजिस्टेंस और इंडक्टेंस यानी नीचे से, इसलिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्री खला प्रणाली में यदि सक्रिय सक्रिय शक्ति मतलब एक्टिव पावर, एक्टिव पावर 4 किलोवाट है। देखिए पी को कहते हैं एक्टिव पावर, 4 किलोवाट एक्टिव पावर, और आभासी ए से आभासी अपरेंट पावर, अपरेंट पावर 5 किलो केवीए, 5 किलो वोल्ट एम्पियर। तो प्रतिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव पावर क्यू का मान पूछ रहा है, रिएक्टिव पावर को क्यू से डिनोट करते हैं। रिएक्टिव पावर, देखिए एक पावर ट्रेंगल आता है, आपको जानना होगा पावर ट्रेंगल क्या होता है, हम बता देते हैं। पावर ट्रेंगल देखिए, जो पावर ट्रेंगल होता है तो पहला ये होता है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ये जो फिगर है ना, ये एक्टिव पावर, जिसको हम लोग एक्टिव पावर को पी से डिनोट करते हैं, ये पी का डायग्राम है एक्टिव पावर। यहां से ये जो जाएगा इसको कहते हैं ऑपरेंट पावर, ऑपरेंट पावर, जिसको ऑपरेंट पावर को हम लोग दिखाते हैं ए से, ये वाला ऑपरेंट पावर। और जो ये वाला होता है, देखिए यहां से भी ये फिगर किसी तरह ही बनाएंगे, जो लंब वाला होता है ना, जो लंब वाला, लंब वाला ये हमेशा रिएक्टिव पावर को, रिएक्टिव, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो जो लंब वाला होता है हमेशा रिएक्टिव पावर, जो बेस वाला होता है हमेशा एक्टिव पावर, और जो विकर्ण वाला जो होता है ना, कोण वाला, जो कोण वाला होता है हमेशा अपरेंट पावर। तो आदम संकोण त्रिभुज में रहते हैं, यही दो दिया है, देखिए अपरेंट पावर दिया है और एक्टिव पावर दिया है, रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला आता है कि क्यू का वर्ग प्लस ये लंब है और ये आधार है, ये आधार यानी एक्टिव का वर्ग बराबर अपरेंट पावर का वर्ग यानी ए का वर्ग, अपरेंट पावर का वर्ग बराबर ये रिएक्टिव पावर का वर्ग प्लस एक्टिव पावर का वर्ग, संकोण त्रिभुज के तहत मान भर दीजिए। क्यू का वर्ग पूछा है हम लोगों से, माने रिएक्टिव पावर पूछा है, पी का वर्ग दिया है, पी का वर्ग माने 4, तो 4 का वर्ग 16, और ए ऑपरेंट पावर दिया है 5, तो 5 25, और 16 जाकर तो घट जाएगा, तो 25 में से 16 घटेगा तो 9, तो क्यू का वर्ग कितना है, 9 आया, तो क्यू का मान कितना जाएगा, 3, तो 3 के भी राइट आंसर। देखिए ये भी किलो में है, ये भी किलो में, ये भी किलो में आएगा, इसलिए किलो वाला हमारे यहाँ। रिएक्टिव पावर का जो जवाब होता है वी ए आर होता है, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, इसका फुल फॉर्म वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और किलो में क्यों, क्योंकि दोनों रीडिंग किलो में दिया है, इसलिए इसको भी किलो में, तो 3 KVA एकदम पावर ट्रेंगल इसको हम लोग बोलते हैं। रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, जवाब पाइए 3, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं आज के लिए अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद क्या होगा,
इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल अकर्स इन आरएलसी सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में अनुनाद अनुनाद फ्रीक्वेंसी एक बार आया था, क्या होता है फॉर्मूला अनुनाद फ्रीक्वेंसी के लिए, जो फॉर्मूला होता है एक बटा में टू पाई अंडर रूट में एलसी होता है, जब इसको घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। लेकिन कब आएगा अनुनाद का केस, तो अनुनाद का केस के लिए एक्सएल बराबर एक्सी जब हो जाएगा तो सीरीज में अनुनाद चाहे पैरेलल में अनुनाद हो जाएगा। तो एक्सएल बराबर एक्सी अनुनाद की स्थिति को बताता है। तो अनुनाद कब आएगा पूछा है, रेजोनेंस कब होगा सीरीज सर्किट में, रेजोनेंस कब होगा, अनुनाद कब होगा, तो जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा। खोज लेते हैं, ये शून्य होगा तो गलत दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो सही, यही तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो अनुनाद की स्थिति यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।